बिलियनर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट चिंतित हैं, लेकिन क्यों? जेनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऐसे शब्द हैं जो कि इस साल काफ़ी ज़्यादा बजवर्ड्स बन चुके हैं। इनफैक्ट कुछ ऐप्स जैसे कि चैट जीपीटी लगातार पॉपुलर होते चले जा रहे हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि कई वेज में वो ह्यूमंस को भी बीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात हो एफिशिएंसी की, और ख़ासतौर पर अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की जब तक बात हो, चैट जीपीटी जैसी ऐप्स ने दुनिया भर में लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। अब इसी रैपिड एडवांसमेंट को देखते हुए, इन नई तकनीकियों को देखते हुए बिलियनर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट अब चिंतित हो चुके हैं। ख़ासतौर पर हाल ही में हुए जो एनुअल मीटिंग है वॉरेन बफेट और चार्ल्स मंगेर की, जो एक कंपनी है बर्कशायर हैथवे, हर साल ये एनुअल जनरल मीटिंग करती है जिसे करोड़ों लोग दुनिया भर में देखते हैं, और ना ही शेयर होल्डर्स जो कि बर्कशायर हैथवे के हैं, लेकिन दुनिया भर के इन्वेस्टर कम्युनिटी भी बहुत ही ध्यान से देखते हैं। और वॉरेन बफेट जिस तरीके से लेगेसी है उनकी इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए, उनके हर शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। इस बार की मीटिंग में जो कि मई 6 को हुई थी, वॉरेन बफेट ने इस मीटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, इसे एटम बॉम्ब्स के साथ कंपेयर किया है। हालांकि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई तरीकों से अब यूज़ करी जा रही है, बहुत सारे टास्क इसके ज़रिए किए जा रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो ये मानता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कई मायनों में मिसयूज़ भी किया जा सकता है, और शायद यही कारण है कि वॉरेन बफेट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेते हुए काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। वॉरेन बफेट मानते हैं कि एक तरफ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी कैपेसिटी है कि वो हर तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। उनका ये मानना है कि जिस तरीके से लोग आज कामकाज कर रहे हैं, उससे कई ज़्यादा इम्पैक्ट हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देख सकते हैं। खासतौर पर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समय पहले उनके दोस्त बिल गेट्स ने उनको चैट जीपीटी का भी एक्सपीरियंस दिया था, लेकिन तब भी वो इस टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एप्रिहेंसिव थे। खासतौर पर इसलिए क्योंकि वो ये मानते हैं कि ह्यूमंस जब किसी भी चीज़ को इन्वेंट करते हैं तो वो हमेशा एक अच्छे रीज़न के लिए होता है। जैसे जब एटम बॉम्ब भी आविष्कार किया गया था, वो भी एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ किया गया था, लेकिन जब एटम बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ तो वो वर्ल्ड वॉर टू में ह्यूमंस को मारने के लिए हुआ था। सिमिलरली वो ये मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कैपेबिलिटीज़ है उसके बारे में कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी दौर पर, किसी भी समय पर वो ये मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि अब इन्वेंट हो चुका है, इसे अनइन्वेंट नहीं किया जा सकता, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया में हर चीज़ बदल सकता है बजाय एक चीज़ के, और वो है कि ह्यूमंस किस तरीके से सोचते हैं और बिहेव कर सकते हैं, इसको बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदल सकती है, और यही चीज़ उनको खतरे की घंटी साबित होती हुई दिख रही है। जो सीईओ हैं बर्कशायर हैथवे के, वॉरेन बफेट, उनका ये भी मानना है कि जिस तरीके से बड़े बड़े लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसको देखते हुए उनको और भी ज़्यादा चिंता हो रही है। हाल ही में वॉरेन बफेट से पहले जेफरी हिंटन, जिनको वन ऑफ द गॉड फादर्स माना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसी तरीके की कंसर्न्स उन्होंने भी सामने रखी थी, और उनका मानना था कि फ़िलहाल ह्यूमैनिटी को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से थ्रेट है तो वो क्लाइमेट चेंज माना जा रहा था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्लाइमेट चेंज से भी ज़्यादा खतरा हो सकता है ह्यूमैनिटी को। साथ ही अगर आप स्टुअर्ट रसल की बात करें, जो कि ऑथर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न अप्रोच किताब के, उनका भी यही मानना था, और उन्होंने कंपेयर किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चेर्नोबिल डिज़ास्टर के साथ। उन्होंने कहा था कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस बढ़ती हुई रफ्तार को चेक नहीं किया गया तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डिज़ास्टर से कम नहीं होगा। साथ ही हमने अप्रैल के महीने में ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क को भी देखा था, जब उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ एक ओपन लेटर में साइन किया था और कहा था कि अगले 6 महीने तक पॉज हो जाना चाहिए किसी भी और डेवलपमेंट को करने से, जैसे कि चैट जीपीटी 4 ऑलरेडी आ चुका है, इसके बाद और ज़्यादा इसको डेवलप करने के ऊपर रोक लगा देनी चाहिए, जब तक कि हम पूरी तरीके से समझ ना जाएं कि इसका क्या पोटेंशियल यूज़ है और क्या पोटेंशियल मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इसी के साथ अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो डिबेट है सही और गलत की, वो लगातार चलती चली जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, कितना एआई अच्छा एआई है और कितना एआई बुरा एआई। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।